जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला जी की हवेली से सीधा सामने आ रही है। सिद्धू की माता चरण कौर जी ने आखिरकार वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था। अपने बेटे को पुनर्जन्म जो है उन्होंने करने की बात करी थी कि मेरे बेटे सिद्धू की पुनर्जन्म हो गई और आज जो है सिद्धू मूसेवाला जी इस दुनिया में आ चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप। आपको बता दें, थोड़ी देर पहले सिद्धू की माता चरण कौर जी को जो है एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल में, और खबर अभी अभी ये आ रही है कि जुड़वे बच्चे को जो है जन्म दे चुकी हैं सिद्धू की माता चरण कौर जी। सारी चीजें जो हैं सही सलामती हो चुकी हैं। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सिद्धू की माता चरण कौर जी की डिलीवरी जो है हो चुकी है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू की माता चरण कौर जी को लेकर, अफसाना खान जो है बताया जा रहा है कि पहुंची है हॉस्पिटल सिद्धू की माता चरण कौर जी और बच्चे को देखने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद जो है देने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दे, खबर ये भी आई है सूत्रों के हवाले से कि सिद्धू की माता चरण कौर जी ने एक नहीं बल्कि दो बच्चों को जो है जन्म दिया है और उनकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है। ये बात तो आप जानते ही हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि IVF के द्वारा सिद्धू की माता चरण कौर जी जो है प्रेग्नेंट हुई थी विदेश जाकर। और आपको ये भी जानकारी दे दे कि इंडिया में जो है उन्होंने ये निर्णय लिया था कि डिलीवरी जो होगी उनकी इंडिया में होगी, और अब आज चंडीगढ़ हॉस्पिटल में जो है उन्हें दाखिला करवाया गया था, एडमिट करवाया गया था, जो कि सुबह करवा दिया गया था उनको एडमिट, क्योंकि उन्हें डिलीवरी पेन हो रहा था काफी ज्यादा। तो सबको ये पहले ही बता दिया गया था कि मार्च के महीने में सिद्धू की माता चरण कौर जी जो है बच्चे को जन्म देंगे। इस वक्त जच्चा और बच्चा दोनों ही सेफ है, और आपको बता दें वाहेगुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से जो है इस वक्त वो बच्चे को जन्म देने में सक्सेसफुल रही हैं, और जो वो चाहती थी वो हवेली में होने वाला है। हवेली में एक बार फिर से खुशियां गूंजने वाली हैं, सिद्धू मूसेवाला जी की किलकारी गूंजने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धू के फैंस इस वक्त फूले नहीं समा रहे हैं इस खबर को जानने के बाद। लेकिन इस खबर की पुष्टि जो है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, ना तो प्रेगनेंसी की सिद्धू के पेरेंट्स ने पहले की थी, और ना ही जो है बच्चे के पैदा होने की अभी भी पुष्टि नहीं की है उन्होंने, कोई जानकारी जो है नहीं दी है अभी, फैमिली की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन पहले जो प्रेगनेंसी की जानकारी थी वो सिद्धू के चाचा जी ने खुद दी थी, और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर जो है प्रेगनेंसी की खबर वायरल होने लगी। लेकिन इस वक्त डिलीवरी की खबर जो है अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल जानकारी जो है सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो यही आई है कि सिद्धू की माता चरण कौर जी ने जुड़वा बच्चे को जो है जन्म दिया है। अब बहुत जल्द हम चाहते हैं कि सिद्धू की माता चरण कौर जी खुद जो है मीडिया में आकर या ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर जो है ये जानकारी फैंस से साझा करें, ताकि फैंस को भी खुशी मिल सके और वो भी जो है जश्न मना सके दुगने तरीके से, क्योंकि जश्न अभी से ही मनने शुरू हो गए हैं और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें लंगर लड्डू बांटे जा रहे हैं कई जगह, तो और सिद्धू मूसेवाला जी के जो है ब्लेसिंग्स उन्हें भेजी जा रही है, तो आप भी अपना ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं। अफसाना खान जो है आपको बता दें पहुंची है हॉस्पिटल, ऐसी खबर जो है सामने आई है, ऐसी जानकारी आई है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे जुड़वा बच्चे होने को लेकर, जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ ही आप कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द हम आपको वीडियो और तस्वीरें भी जो है सिद्धू की माता चरण कौर जी की बालक के साथ, बच्चे के साथ जो है दिखाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।